गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम भारतीय नवजागरण में अरविंद घोष जी के बारे में जानेंगे। कल हमने महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे अरविंद घोष जी के बारे में। 15 अगस्त 1872 को बंगाल में एक ऐसे कर्मयोगी का जन्म हुआ जिसके पास ऋषि मुनियों का ज्ञान, भक्ति व तेज था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अपने इस मेधावी पुत्र को अंग्रेजों जैसा बहुत बड़ा अधिकारी बनाने के लिए बचपन में ही पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेज दिया, परंतु माँ भारती की कोख से पैदा हुए देशभक्त अरविंद घोष को यह स्वीकार न था। वह इंग्लैंड से अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आते ही आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और देखते ही देखते अरविंद घोष प्राध्यापक, क्रांतिकारी और पत्रकार बन गए। क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण उनको कारावास का दंड भी दिया गया। पांडिचेरी में उस महान संत ने साधना की और वहीं अरविंद आश्रम की स्थापना भी की। लाखों की संख्या में भारतीय विदेशी उनके शिष्य हो गए, जिन्हें वे भारतीय धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया करते थे। उनके हजारों अनुयायियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान भी दिया। उनके द्वारा स्थापित अरविंद आश्रम के विद्यालय और वहाँ की शिक्षा पद्धति आज भी विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अरविंद घोष जी के बारे में था। अब हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में बंगाल में हुआ और उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष ने उन्हें एक अंग्रेजी अधिकारी बनाने के लिए इंग्लैंड बचपन में पढ़ाई करने भेज दिया था, जबकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा, उन्होंने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की, जो वर्तमान में भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार अरविंद घोष की ये महत्वपूर्ण देन है। कल हम स्वामी राम तीर्थ के बारे में जानेंगे।